हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सीएचएसएल का एग्ज़ाम तो चल रहा है, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी जा रहा है, ठीक है। अब सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छे से पता चल गया होगा कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि करेंट अफेयर्स जो है वो मार्च अप्रैल के पहले का ही आपका आने वाला है, वैसा ही आया है। बट सीजीएल का जो करंट अफेयर्स है उसमें जनवरी का भी आए, जनवरी से लेकर जुलाई तक का तो एकदम अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जुलाई से जनवरी से लेकर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक सबको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। उसके साथ में सबको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनका भी करंट अफेयर्स देख लेना होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको सीएचएसएल के टाइम बताया था कि मार्च से पहले तक का करेंट अफेयर्स 100% पूरा पढ़ लेना है, और अप्रैल, मई ये सब आप एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको 100% की तरह पढ़ना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, ये जो है इसको फिर आप एडिशनल कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी से लेकर जुलाई तक के बेस्ट 300 एमसीक्यू देखने वाले हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि एग्ज़ाम आपको मालूम ही है कि बस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, 3 से 4 दिनों में, तो अब तक तो आप लोगों ने डेफिनेटली करेंट अफेयर्स ये टॉपिक को आपने कर लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रिवीजन भी आपका होगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। सेशन को जो है सभी लोग लाइक्स जरूर कर देंगे और शेयर भी आप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन जनवरी का, जनवरी से लेकर जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का। आप लोग इसका आंसर भी देते रहेंगे सभी लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स डैश एवरी ईयर एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ये किस दिन को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 से 5 सेकंड का भी टाइम देंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कब ऑब्जर्व करता है एवरी ईयर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, वो होता है आपका 30 जुलाई को, ठीक है। 30 जुलाई याद रखें, 30 जुलाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2021 एट द ब्यूटी पैगनेट, यहां पे क्या होगा, तो किसने जो है जीत लिया है मिस इंडिया यूएसए 2021 ब्यूटी पैजेंट में। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। वैदेही डोंगरे ने ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट अनाउंसेस डैश रिजर्वेशन फॉर ओबीसी 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस इन मेडिकल सीट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कितना परसेंट अनाउंस किया है रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, तो ये ओबीसी के लिए कितना परसेंट हुआ है, 27% जो है रिजर्वेशन अनाउंस हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस इन मेडिकल सीट्स के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हु वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने जीती है। चलिए, तो किसने जीत लिया है यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला शाहिद हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब्दुल्ला शाहिद ने जीत लिया है ये खिताब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल, तो किसने जो है राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है, तो किसने जीत लिया है नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल, ये जीता है किसने, वंतिका अग्रवाल ने ये खिताब जीता है, ठीक है। वंतिका अग्रवाल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही केवल यहां पर कलेक्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among these has been sworn in as the Delhi Police Commissioner recently? तो इनमें से किसने हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में शपथ ली है, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया है, तो ये लिया है राकेश अस्थाना ने। ये एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है,
एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, तो राकेश अस्थाना यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, CTO बरल मार्क्स हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन 27 जुलाई 2021। द साइट इज बेस्ड इन विच कंट्री, ये भी एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है। CTO बरल मार्क्स को 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है। यह साइट किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, जुलाई का करेंट अफेयर्स है, ये है ब्राज़ील में स्थित, ठीक है, ब्राज़ील में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजीब मकिता हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो नजीब मकिता को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किस देश की बनी है, तो ये होगा लेबनान, ठीक है, लेबनान यहाँ पर होगा राइट आंसर, लेबनान की ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का, तो यहाँ पर बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, है ना, सबसे बड़ा सौर मंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो कौन सा है, ये भी एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन हो जाएगा, तो गैनीमेड यहाँ पर होगा राइट आंसर, विच इज़ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर इन ऑल गवर्नमेंट सर्विस, तो यहाँ पर वो कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसमें जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, ट्रांसजेंडर लोगों को, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, वो राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक में ये दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई एवरी ईयर, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021, तो 2021 का जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम क्या था, थीम क्या था, हेपेटाइटिस कांट वेट होगा इसका थीम, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बसवराज बोमी इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश, अब तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ये जैसे मैं पूछा गया, जो भी नए जो अपॉइंटेड हुए हैं गवर्नर चीफ मिनिस्टर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो अपॉइंट हुए होंगे वो सबको याद कर लेना है, वो सब क्वेश्चन एकदम आता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कहाँ के बने हैं, कर्नाटक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, जापान्स मोमिजी निशिया बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर इन ओलंपिक, सी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, तो जापान के जो मोमिजी निशिया ओलंपिक में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेताओं में से एक बन गए हैं, वह किस देश से संबंधित है, ठीक है, किस देश से संबंधित है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ क्या होगा, स्केटबोर्डिंग यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया वेयर पीपल कैन अवेल हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप ऑन 24 आवर बेसिस, भारत के पहले शहर का नाम बताना है जहाँ लोगों को 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला जो पेयजल है वो प्राप्त हो सकता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, पूरी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द बुक टाइटल एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशोक लावासा यहाँ पर होगा राइट आंसर, इनके द्वारा लिखा गया ये बुक है अशोक लावासा, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है, शैकोम मीराबाई चानू, ओके, हैज ओपेंड इंडियाज मेडल टैली एट द ऑन गोइंग टोक्यो ओलंपिक 2020 बाय विनिंग अ सिल्वर मेडल, सी रिप्रेजेंट द कंट्री इन विच इवेंट, तो किस खेल से संबंधित है ये मीराबाई चानू, है ना, इन्होंने सबसे पहले सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक जो इस बार हुआ है, और नीरज चोपड़ा से मे बी क्वेश्चंस पूछ ले कि किसको मिला है, तो नीरज चोपड़ा को मिला है स्वर्ण पदक जैवलिन
से संबंधित है वो जैवलिन थ्रो से। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वेट लिफ्टिंग हो जाएगा, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे, कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस ये सेलिब्रेटेड होता है हर साल 26 जुलाई को। दिस ईयर नेशन इज सेलिब्रेटिंग द डैश ऑफ विक्ट्री इन द कारगिल वार, तो कितना साल हो चुका है कारगिल वार का, तो कितना साल हुआ है, 22 ईयर्स हो चुका है कारगिल वार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ओके, तो 39th पहले कितना था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, 38 था, अब तो 40 हो गया, तो 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है जो कि आएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए काकतिया रुदेश्वरा टेंपल यहां पर होगा राइट आंसर, ये 39th है। ओके, वेरी गुड, जिसका भी ए आंसर आ रहा है सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 2019 इंडिया रैंक विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विथ अ शेयर ऑफ 3.1% इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, तो इंडिया का रैंक बताना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, 9, ठीक है, 9 रैंक है, ठीक है, इंडिया रैंक्ड 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर इट्स हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को, कौन कौन सा सिटी को सिलेक्टेड किया गया यूनेस्को को अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, तो ग्वालियर एंड ओरछा यहाँ पर होगा राइट आंसर, ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे, ये कब होता है सेलिब्रेटेड, आयकर दिवस इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑन, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 24th जुलाई को होता है ये इनकम टैक्स डे यानी कि आयकर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ रोप्ड इन डैश एज ए स्पॉन्सर फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ऑनगोइंग टोक्यो ओलंपिक, तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, अदानी ग्रुप हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, अदानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been named as the All India Football Federation Women's Footballer of the Year 2020 and 21? ठीक है, Who has been named as the All India Football Federation Women's Footballer of the Year 2020-21? तो बाला देवी यहां पर होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, बुक एंड ऑथर से इस बार बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था। द स्ट्रेंजर इन द मिरर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ओम प्रकाश मेहरा की बायोग्राफी है, स्ट्रेंजर इन द मिरर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विथ अ सोल इक्विटास, ठीक है, इसके ऑथर कौन है, तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विथ अ सोल इक्विटास, यहां पर हो जाएगा सी के गरियाली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये कब ऑब्जर्व होता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर, तो किस ईयर में होता है, तो ये होता है 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जुलाई एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेडरेशन न्यूरोलॉजी सेलिब्रेट्स वर्ल्ड ब्रेन डे ऑन एवरी डैश ईयर, तो वर्ल्ड ब्रेन डे हर साल ये कब होता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22nd जुलाई को होता है वर्ल्ड ब्रेन डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन, तो वोमेन के लिए अभी हम लोगों ने देखा यहां पर मेंस फुटबॉलर है, मेंस फुटबॉलर किसे है, ये कौन चुना गया यहां पर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, संदेश जिनगम जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यूनेस्को रिमूव्स डैश फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो यूनेस्को ने किसे रिमूव कर दिया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के नाम से,
तो लिवरपूल यहाँ पर होगा राइट आंसर। लिवरपूल को जो है रिमूव कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज पिक्ड एज द AIFF मेंस इमर्जिंग प्लेयर फॉर द ईयर अवार्ड फॉर 2020-21। तो इमर्जिंग प्लेयर फॉर द ईयर अवार्ड ये किसे दिया गया है? इमर्जिंग प्लेयर फॉर द ईयर अवार्ड फॉर 2020-21 ये किसे दिया गया है? सुरेश सिंह को दिया गया, ठीक है, सुरेश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2021? ओके, थीम क्या था G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2021 का? थीम था इस बार का पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ये था थीम G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2021 का। ओके, पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन सिलेक्टेड टू द होस्ट 2032 समर ओलंपिक्स? तो 2032 का समर ओलंपिक्स के लिए किसे चुना गया है, कौन से देश को चुना गया है समर ओलंपिक्स के लिए जो कि 2032 में होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस्ड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021? ठीक है, तो किसने इनॉग्रेटेड किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट्स 2021 के लिए? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू होगा करेक्ट आंसर, इन्होंने ही इनॉग्रेटेड किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल फर्म टू सेट अप फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट? ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मथुरा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल फर्म टू सेट अप फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, ये ठीक है, ये कहाँ है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कहाँ पे डाला गया है, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी लीडर ऑफ राज्यसभा? ये भी एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, किसे अपॉइंटेड किया गया है डेप्यूटी लीडर ऑफ द राज्यसभा? तो मुख्तार अब्बास नकवी होगा, इन्हें अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी लीडर ऑफ राज्यसभा? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक RSS, ठीक है, बिल्डिंग इंडियाज थ्रू सेवा? तो इसके ऑथर कौन है, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसके ऑथर कौन है? सुधांशु मित्तल जो है इसके ऑथर है, सुधांशु मित्तल, वेरी गुड, सुधांशु मित्तल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बुनालू इज अ ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन? तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, किस स्टेट में? तो तेलंगाना हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर? ठीक है, तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये कब ऑब्जर्व होता है हर साल? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17th जुलाई को होता है हर साल, ठीक है, 17th जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 39 में कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 के लिए? तो ध्यान में रखना है सबको, महाराष्ट्र हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इंडिया श्रीलंका एंड विच कंट्री होल्ड वर्चुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज TTX 2021? तो भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, और कौन सा कंट्रीज है? तो क्या होगा, मालदीव्स, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है, होल्ड वर्चुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज TTX 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज चलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बनारस रेलवे स्टेशन, ठीक है, बनारस रेलवे स्टेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विल कंस्ट्रक्ट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन कच्छ रीजन इन गुजरात? ये भी एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क, ठीक है,
ठीक है, विच कंपनी विल कंस्ट्रक्ट, कौन सा कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन कच्छ रीजन इन गुजरात, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो जाएगा करेक्ट आंसर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, तो किसे अपॉइंटेड किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, किसे अपॉइंटेड किया गया है एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसी सब टाइप का एक्चुअली में क्वेश्चन आता है, तो पीयूष गोयल यहाँ होगा करेक्ट आंसर, ये पीयूष गोयल भाई साहब को यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, नेम द सिंगर ऑफ द टोक्यो ओलंपिक चेयरिंग सॉन्ग, ठीक है, हिंदुस्तानी वे, तो उस सिंगर का नाम क्या है, सिंगर का नाम क्या है यहाँ पर, अनन्या बिरला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, नेम द सिंगर तो अनन्या बिरला ऑफ द टोक्यो ओलंपिक चेयरिंग सॉन्ग हिंदुस्तानी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बिकम नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर द फिफ्थ टाइम्स, तो नेपाल के ये पांचवा बार क्या बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उनका नाम क्या है, अभी क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज से CHSL में क्वेश्चन आया था, तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये याद होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, शेर बहादुर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, शेर बहादुर ने फिफ्थ बार ये बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स, तो पहले भारतीय का नाम बताना है जिसे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, दीपक काबरा यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो जो 2026 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है उसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो उस कंट्री का नाम क्या है, वो है भारत, भारत जो है वो होस्ट करने वाला है 2026 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ रिसर्च बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर गुजरात, तो कौन इनॉग्रेटेड किए हैं यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हु हैज़ इनॉग्रेटेड, किसने इनॉग्रेटेड किया है, अ रिसर्च बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज इन गांधीनगर गुजरात, तो अमित शाह होगा करेक्ट आंसर, अमित शाह होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बिग लायन, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट बिग लायन, इसके ऑथर का नाम क्या है, चलिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बुक के ऑथर का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, डी, क्रेसिस नाइट हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू कम अप, ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां पर होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, तो क्या होगा, पटना होगा यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है, बिहार पटना में होगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है CGL के लिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टीम हैज वॉन द यूरोपियन चैंपियनशिप 2020, ठीक है, फुटबॉल का बहुत बड़ा ये इवेंट है यूरोपियन चैंपियनशिप 2020, ये किस टीम ने जीत लिया, किस कंट्री ने जीत लिया है, तो इटली होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु वॉज एडजस्ट द प्लेयर ऑफ UEFA यूरो 2020, चलिए यहां पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, UEFA यूरो 2020 के लिए जो है किसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है, तो बेसिकली ये जो है इटली के गोलकीपर हैं, ठीक है, उन्हीं को ये प्राइज दिया गया है, ठीक है, जियान लुगी
डोनारूमा, ठीक है, इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इन फेब्रवरी 2022। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, विच स्टेट, कौन सा स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इन फेब्रवरी 2022, तो हरियाणा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द यूरो 2020 गोल्डन बूट, तो गोल्डन बूट जो है ये किसे दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, Who among the following has won the Euro 2020 Golden Book? ये अभी स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये मिला है। ओके, नेक्स्ट, द प्रेगनेंसी बाइबल, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल, इसके ऑथर का नाम क्या है, करीना कपूर खान। ओके, करीना कपूर खान ये है ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबी अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म्स, तो ये दूसरी बार बनने जा रहे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के, करेक्ट आंसर क्या होगा, अबी अहमद, तो इथोपिया होने वाला है करेक्ट आंसर। ठीक है, इथोपिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, ठीक है, तो किसने जो है जीत लिया है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, क्या होगा राइट आंसर। चलिए, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टीम हैज वॉन द कोपा अमेरिका 2021, तो कौन सा टीम जो है वो जीत लिया है कोपा अमेरिका 2021, स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है फुटबॉल से संबंधित, तो राइट आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने जो है ये जीत लिया है कोपा अमेरिका 2021 का। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, ये हर साल किस दिन को ऑब्जर्व होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 11th जुलाई होगा करेक्ट आंसर, 11th जुलाई। ठीक है, हुम डीड एस्ले बार्टी बीट इन ऑर्डर टू विन हर मेडल विंबलडन टाइटल, ठीक है, तो एस्ले बार्टी ने जो है किसे हराकर पहली बार ये खिताब जीत लिया है विंबलडन का, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको हराया है, हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि विंबलडन टाइटल जो है इस बार किसने जीत लिया है, तो आपको जवाब देना होगा एस्ले बार्टी ने। ओके, यहाँ पर होगा आपका कैरोलिना, यहाँ पर होगा राइट आंसर, इन्हीं को हरा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द विंबलडन चैंपियनशिप 2021, तो यहाँ पर किसने जीत लिया है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, फीमेल में एस्ले बार्टी, मेंस में नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इस बुक के ऑथर कौन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इसके ऑथर का नाम क्या है, बलजीत कौर तुलसी। ओके, बलजीत कौर तुलसी इस बुक के ऑथर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द विंबलडन जूनियर मेन्स टाइटल, तो जूनियर मेन्स टाइटल ये खिताब किसने जीत लिया है, जूनियर मेंस टाइटल, मेंस टाइटल तो जीता है नोवाक जोकोविच, यहाँ जूनियर मेंस है, तो समीर बैनर्जी होगा यहाँ करेक्ट आंसर, समीर बैनर्जी ने जीत लिया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यहाँ पर क्या होगा, इसका थीम क्या था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, चलिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि 11 जुलाई को होता है और इसका थीम क्या था, तो ये था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर ए, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एक्वेटिक किंगडम इन विच सिटी, चलिए तो आप यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एक्वेटिक किंगडम इन विच सिटी, तो बेंगलुरु कर्नाटक होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेजॉन हैज लॉन्च्ड इंडियाज
Amazon has launched its first digital केंद्र in India in which city? तो किस सिटी में इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट डिजिटल केंद्र? तो सूरत होगा राइट आंसर, ठीक है, सूरत में किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन? ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है ये न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन? ये होगा फेसबुक, फेसबुक ने लॉन्च किया है, फेसबुक इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश न्यू बुक इज अ बायोग्राफी ऑफ एन इपिक बायो पोएम ऑन डैश. चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का? चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, द लाइट मैन ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को ही. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो इज एसोसिएटेड विद द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू? इनका पोर्टफोलियो चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर कौन सा पोर्टफोलियो रिलेटेड है किरण रिजिजू से? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा यहाँ पर राइट आंसर. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, हम लोग थोड़ा उस पर भी नज़र डालते हैं, देखते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि सीजीएल के लिए एक और भी करेंट अफेयर्स का वीडियो बनाना ज़रूरी है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डाटाज हैं पिछले 8-9 महीना का, जिसको रिवीजन के लिए शेयर करना ज़रूरी है. तो कल एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ आपको रिवीजन के लिए देंगे. ठीक है, फिलहाल यहाँ हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर. तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, तो जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसका पूरा पूरी 6 साल हो गया है, 6 ईयर्स हो गया है. ठीक है, हैज़ कम्प्लीटेड इट्स 6 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2021. तो मे बी जुलाई का ये करेंट अफेयर्स है, तो पूछ सकता है आपसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत कब हुई थी, तो आज से 6 साल पहले घटा देना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ब्लैक बेलीड कोरल स्नेक्स इन द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर्ड किया है एक टाइप का ब्लैक बेलीड कोरल स्नेक्स इन द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड. नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. SBI इज सेलिब्रेटिंग इट्स 66 ईयर्स ऑन 1 जुलाई. नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये कब होता है? ये होता है 2 जुलाई को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर इन लखनऊ. ओके, नेक्स्ट पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो है विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड. तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हालांकि कौन है? पुष्कर सिंह है. नेक्स्ट है KN भट्टाचार्य अपॉइंटेड न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा. तो त्रिपुरा के न्यू लोकायुक्त जो हैं किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो KN भट्टाचार्य को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इंडियन कैप्टन जो महिला टीम की है मिताली राज हैज़ बिकेम द हाइएस्ट रन गेटर इन वुमेन्स क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट. ये हाइएस्ट रन गेटर है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर मेन्स में है, हाइएस्ट रन उनके पास है, वुमेन में कौन है? मिताली राज. नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टैपेन विंस फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021. तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टैपेन ने. नेक्स्ट है कि लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन. ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये है कौन? कविता राव के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये इसमें से एक तो 100% है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो हैं राष्ट्रपति, ठीक है, रामनाथ कोविंद, उन्होंने अपॉइंट किया है न्यू गवर्नर्स 8 स्टेट्स के लिए. तो इन 8 स्टेट्स में से 1-2 स्टेट्स का तो डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इस स्लॉट को याद कर लेना है. ठीक है, कर्नाटक में चेंज हुआ है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, हरियाणा, इन सभी जगह पर नए गवर्नर्स अपॉइंटेड हुए हैं, तो इन सबको याद कर लेना है. ओके, और PDF के लिए
मैं आपको बता दूँ, PDF जो है आपको टेलीग्राम से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे रात के 12 बजे ये PDF अपडेट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर SSC क्रैकर्स को ज्वाइन कर लेना होगा, ठीक है। SSC क्रैकर्स को ज्वाइन कर लेना होगा, PDF वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि MC मैरी कॉम द 6-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन एंड मनप्रीत सिंह द मेन्स हॉकी टीम स्कीपर विल बी इंडियाज फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स, अनाउंस्ड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बियरर होंगे वो कौन होंगे, वो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहाँ पे हुआ है, ये है 52nd एडिशन, ये कहाँ पे, गोवा में हुआ है। नितिन गडकरी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं किसके, खादी प्राकृतिक पेंट के, ओके। कोरियन एयर, कोरियन एयर जो है हैज़ बीन अनाउंस्ड द विनर ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन द एविएशन इंडस्ट्री एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर, ओके, कोरियन एयरलाइन को ये मिला है। दिलीप कुमार जो लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर थे, ठीक है, उनका निधन हो गया है जुलाई में ही। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट वापस से हम लोग MCQ फॉर्मेट में आ जाते हैं। हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये किसे दे दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो कुलदीप सिंह को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया हैज़ कन्फर्म्ड दैट द IPL 2021 फेज टू विल बी हेल्ड इन द, तो IPL 2021 फेज टू ये कहाँ पर होने वाला है, ये होगा UAE में, ठीक है, UAE में होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसका थीम क्या है, 30 जून को होता है, इसका थीम क्या है, तो कमिट टू क्विट, ठीक है, कमिट टू क्विट जो है यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्या था थीम, कमिट टू क्विट, चलिए इसका थीम था एक्चुअली 31 मई को होता है, ठीक है, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, ओके, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर, इस पुस्तक के लेखक हैं रवि शास्त्री, रवि शास्त्री होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सावरकर अ कंटेस्टेड लीजेसी 1924 to 1966, चलिए तो इसके ऑथर कौन हैं, विक्रम संपत इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has taken over as president of the Confederation of Indian Industry? निम्नलिखित में से किसने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? TV नरेंद्रन यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Who has recently appointed the head of the National Human Rights Commission? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अरुण मिश्रा को, अरुण मिश्रा को यहाँ पर अपॉइंटेड नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवी स्टाफ, चलिए तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इनका नाम क्या है, रवनीत सिंह इनका नाम है, ठीक है, रवनीत सिंह। नेक्स्ट, हाउ मेनी टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द 2027 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ठीक है, 2027 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीम जो है वो भाग लेने वाली हैं, टोटल 14 टीम्स यहां पर भाग लेंगे इस बार, टोटल 14 टीम्स याद रखना है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है,
चलिए यहां पर राइट आंसर हो गया, किसे चुना गया है, तो करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा आर एस सोडी को चुना गया है, आर एस सोडी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट्स इंडस बेटा मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट। ओके, तो केंद्रीय मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने डैश में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है उद्घाटन, तो छत्तीसगढ़ में किया है, यह होगा राइट आंसर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीत लिया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है, इनका नाम क्या है, डेविड डियॉप यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब होता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, ठीक है 5 जून। व्हाट इज द करेंट रेपो रेट अभी क्या है करेंट टाइम पे, ठीक है रेपो रेट क्या है, तो 4% हो जाएगा राइट आंसर, 4% है रेपो रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ओशियंस डे 2021, थीम क्या है वर्ल्ड ओशियन डे 2021 का, वर्ल्ड ओशियन डे 2021 का थीम क्या है, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चलिए यहां पे राइट आंसर क्या होगा, अनूप चंद्र पांडे होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकम आईसीसी ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023, एक मिनट, यहाँ पे ये सुशील चंद्र यहाँ पर होगा, ठीक है सुशील चंद्र इज़ द करेंट 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे, ये दोनों मेन कौन है, सुशील चंद्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम आईसीसी ऑफिशियल पार्टनर्स टिल 2023, ऑफिशियल पार्टनर कौन है यहाँ पर, कौन है, तो ये होगा भारत पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरवुमेन ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयर वुमेन ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन, इनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेबी हैविट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फ्रेंच ओपन टाइटल 2021, तो ये सब इंपॉर्टेंट टाइटल्स है, तो फ्रेंच ओपन किसने जीत लिया है, फ्रेंच ओपन का क्या होगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सत्य नाडेला होगा करेक्ट आंसर, ठीक है सत्य नाडेला। नेक्स्ट, वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, तो इसमें भारत का रैंक कितना है,
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? 43rd है। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? तो कौन सा कंट्री इसमें टॉप पोजीशन पे है? टॉप पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, भारत का रैंक कितना है? 43rd। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो योगा डे कब होता है? योगा डे कब होता है? योगा डे होता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक कितना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 94 में, कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021? योगा डे जो कि 21 जून को होता है, और इसमें क्या पूछा गया है? थीम पूछा गया है। तो थीम था योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग जो है, ये इसका थीम था। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीत लिया है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ड्रॉप्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन प्लस वियरेबल्स? ठीक है, तो वन प्लस वियरेबल्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये जो विल है ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये हॉलीवुड स्टार है विल स्मिथ। विल स्मिथ की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक माई जॉयस एंड सोरो एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? माई जॉयस एंड सोरो। ठीक है, एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? कृष्णा सक्सेना, यहाँ पर नाम ये होगा इनका नाम। ठीक है, ये है इसके ऑथर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन एडजस्ट एज द प्लेयर ऑफ द मैच एट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप? ICC विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है यहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? केली जैमिनसन यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत सारे लोगों का भी CHSL। अच्छा, कितना लोग है यहाँ पर जिसका CGL का एग्ज़ाम है? ठीक है, या नेक्स्ट शिफ्ट वाले लोग हैं यहाँ पर, CHSL वाले यहाँ पर प्रेजेंट हैं या CGL वाले यहाँ पर प्रेजेंट हैं? तो CGL वाले के लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, करेंट अफेयर्स के लिए। ओके, चलिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है। अब आने जा रहा है 100 क्वेश्चन। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल मैच वाज प्लेड एट, ठीक है, ये कहाँ पर खेला गया है? ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल मैच वाज प्लेड एट, कहाँ पे खेला गया है ये? एजिस बॉल स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन एडजस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज एट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? मैन ऑफ द सीरीज जो है चुना जाता है, ये किसे चुना गया है? केन विलियमसन को। ठीक है, केन विलियमसन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, केन विलियमसन। रॉस टेलर को तो नहीं चुना गया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? केन विलियमसन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ विच कंट्री इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज इन इंडियन ओशियन रीजन ऑन 23rd जून 2021? चलिए, यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? USA इज़ द राइट आंसर। ठीक है, USA। नेक्स्ट है, इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ
इज अ बुक ऑथर्ड बाई हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ, इस बुक के ऑथर उनके ऑथर का नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, वट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग इन 2021, थीम क्या था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग 2021 का, थीम था शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस डे ऑब्जर्व ग्लोबली, MSME, ये डे कब होता है, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 27 जून को होता है MSME डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो CVC ये कौन नियुक्त हुए हैं, Who has been appointed as the acting central vigilance of India? इनका नाम क्या है, सुरेश एन पटेल, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बी रैबीज फ्री, रैबीज फ्री जो है ये पहला स्टेट कौन बना है, रैबीज फ्री स्टेट गोवा होगा यहाँ पर राइट आंसर, गोवा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Who among the following has been appointed as the special director of the Central Bureau of Investigation? निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? नियुक्त किया है किसे? प्रवीण सिन्हा, प्रवीण सिन्हा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, Who among the following has been appointed as the new chairman of the board of बजाज ऑटो? निम्नलिखित में से किसे बजाज ऑटो के बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है नया अध्यक्ष? तो नीरज बजाज होगा करेक्ट आंसर, नीरज बजाज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन BRO? तो हाल ही में BRO में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इनका नाम क्या है? वैशाली हिवासे इनका नाम है, ये फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्राइवरलेस कार ऑन रोड्स, है ना, ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, राइट आंसर क्या होगा? UK, UK इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक? तो रीअपॉइंटेड हुए हैं MD और CEO ऑफ एक्सिस बैंक के, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, कौन हुए हैं रीअपॉइंटेड एक्सिस बैंक के? एक्सिस बैंक के अगर यहां पर देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्राइवेट बैंक है, तो CEO कौन है? अमिताभ चौधरी जो है ये नाम है इन, ये CEO है एक्सिस बैंक के, और हेड क्वार्टर कहाँ है इस बैंक का? मुंबई में हेड क्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो कि मैंने तो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर डे, लेबर डे कब होता है? लेबर डे इस दिन ऑफिशियल लेबर लोगों का छुट्टी होता है, 1 मई हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 4th डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, तो टी रवि शंकर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, टी रवि शंकर। नेक्स्ट, ऑर्डर्स ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है, हु हैज़ बीन अवार्डेड जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर? किसे दिया गया है ये जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान? किसे इससे जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो श्याम लाल गणेश को किया गया है, ठीक है, श्याम लाल गणेश को। नेक्स्ट क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? प्रफुल्ल चंद्र पंत को किया है, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र पंत हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ममता बनर्जी,
ममता बनर्जी जो कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी हैं, ये कैमे बार है विच टर्म, तो थर्ड तीसरी बार ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु विल बी ऑनर्ड विद द आइकन अवार्ड एट द 2021 बिली बोर्ड म्यूजिक अवार्ड। चलिए यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, पिंक हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा, एम के स्टालिन यहां होगा करेक्ट आंसर, प्रेजेंट टाइम पे यही है चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक द बेंच, ओके बाल पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है, इनका नाम क्या है, मेगन मार्कल इनका नाम है, ठीक है, मेगन मार्कल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 ये किस दिन को मनाया जाता है, ओके राइट आंसर क्या होगा, 5 मई को मनाया जाता है, क्या, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी, ओके निम्नलिखित में से किसने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ओके ये सब जितने भी नए नए चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स बने हैं वो एकदम याद होना ही चाहिए, ठीक है, पिनराई विजयन यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये किस दिन को ऑब्जर्व होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का 8 मई होगा करेक्ट आंसर, 8 मई को होता है ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के कौन बने हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ लिया है, इनका नाम क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा हेमंत बिश्वा शर्मा, ओके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही बने हैं असम के नए चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किस प्लेयर ने जीत लिया है, स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किस प्लेयर ने जीता है, राइट आंसर क्या होगा, लुइस हैमिल्टन ने, ओके लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक एलिफेंट इन द वूम, ओके हाथी के गर्भ पुस्तक के लेखक का नाम बताइए और इस बुक के लेखक का नाम क्या है, कल्कि कोचलिन जो है ये होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु अमोंग दीज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है तो इनमें से किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो अनुपम खेर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली इस बुक के ऑथर का नाम क्या है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली इस बुक के ऑथर का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाकुर राठर जो है ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ये हैं इस बुक के ऑथर। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, ओके निम्नलिखित में से किसने नासा के नए प्रशासक के रूप में शपथ लिया है, उनका नाम क्या है, बिल नेल्सन इनका नाम है, ठीक है बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज हैव कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में क्या आता है कि ये जो पैसेज एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में होता है, तो इंडिया और इंडोनेशिया हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर हुआ है किस सी में, तो अरेबियन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी हैज अचीव्ड 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज अंडर विच मिशन, तो पुडुचेरी ने किस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल का पानी कनेक्शन हासिल किया है, ठीक है जल जीवन मिशन होगा राइट आंसर, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड अवार्ड
ऑफ द ईयर 2021। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शकुंतला हरक सिंह, ठीक है। फिल स्टार्ट जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड अ ड्राइव कॉल्ड मिशन हौसला? निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने जो है ये मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है, वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द मिस यूनिवर्स 2021 क्राउन? ये भी एकदम स्टामा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है? इनका नाम क्या है? एंड्रिया मेज। ओके, एंड्रिया ने जीत लिया है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के न्यू प्रेसिडेंट कौन इलेक्टेड हुए हैं? तिब्बत का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? क्या होगा राइट आंसर? पेनप्पा शेरिंग होगा यहां पर करेक्ट आंसर, ये बने हैं। चलिए नेक्स्ट, वो व्हेन वाज द एमनेस्टी इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे ये कब ऑब्जर्व होता है? क्या हो जाएगा? 28 मई को ये होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व, 28 मई। नेक्स्ट, हु वॉज कन्फर्ड विथ प्रेसिडेंट्स अवार्ड बाई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन थ्रू द 47th FIH कांग्रेस? तो 47 जो है FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या है? कार्तिकेयन पांडियन यहाँ पर होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुबोध जायसवाल को, ठीक है, सुबोध जायसवाल। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज चेयर्ड द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? निम्नलिखित में से किसने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है? चलिए क्या होगा राइट आंसर? हर्षवर्धन यहां होगा करेक्ट आंसर, हर्षवर्धन। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग लोकेटेड? विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ स्थित है? वेडेल सी में स्थित है, ठीक है, वेडेल सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड थायराइड डे ये कब होता है ऑब्जर्व? विश्व थायराइड दिवस हर साल किस दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना? नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? अवतार सिंह भाषिन जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर 3 years टिल 2024? चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? नरेंद्र बत्रा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, नरेंद्र बत्रा। चलिए कुछ नए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एनवी रामना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब होता है? 27 अप्रैल को। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब होता है? 25 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को। और वर्ल्ड वेटिनरी डे कब होता है? 24 अप्रैल को। ये सब इम्पॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट एवर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? तो भारत में पहली बार इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? वो स्थान कौन सा है? दिल्ली कंटेनमेंट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेम ऑफ द वुमेन ऑथर्ड बाई, इसके ऑथर कौन हैं? महिलाओं के नाम, नेम्स ऑफ द वुमेन, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है?
जी थाइल जो है यहाँ होगा करेक्ट आंसर, जी थाइल होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 66th फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसने जीत लिया है? इरफान खान ने जीता है। ठीक है, इरफान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक टाइटल, ठीक है, हैमनेट इज ऑथर्ड बाई, हैमनेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैगी ओ फेरल जो है इनके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। नेक्स्ट, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीत लिया है? बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीत लिया है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज होता है, इसमें भारत का रैंक कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 140 हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको कितना क्वेश्चंस कराया है? 150 क्वेश्चंस करवाया है टोटल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 300 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। ये अब आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप ये सब कर लेंगे, ठीक है, पीडीएफ से आप कर लेंगे 300 क्वेश्चन। और ये जो पीडीएफ होगा ये सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है। और जनवरी से लेकर जुलाई तक के बीच में ऐसा कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं लिया है यहाँ पर। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको एसएससी क्रैकर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जो लोग ज्वाइन हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, रात के 12 बजे जो है इसका पीडीएफ जो है हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, ठीक है। और कल होगा तो कल मैं वीडियो के नीचे लिंक में लगाकर, और तब आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि अभी एक और वीडियो बनेगा। ठीक है, करंट स्टैटिक का एक वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं जो कि सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन स्टैटिक का भी रहेगा जो कि हम सोचे हैं कल करने का, क्योंकि एग्ज़ाम जब से स्टार्ट होगा तो फिर अभी सीजीएल का फिर वापस से माहौल बनाना है, क्योंकि सारे बच्चे का भी फोकस जो है सीजीएल के ऊपर होगा, जो लोग सीजीएल वाले हैं। तो 150 यहाँ पर क्वेश्चंस आपका टेस्ट के रूप में ले लिए हैं, और उसके प्लस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पीडीएफ से कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।